क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि इफ 10 इज एडेड टू दिस न्यू रेशियो 4:13, ये जो 4:13 वाली रेशियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स आर 3 और 4 और 13 है, तो इनको लेट कर लेते हैं 4x, और 13 को कह लेते हैं 13x। व्हेन 10 इज एडेड, व्हेन 10 इज एडिड, नंबर्स बिकम्स फर्स्ट 4x+10 एंड सेकंड 13x+10। क्वेश्चन के मुताबिक ये है, एज पर स्टेटमेंट जो रेशियो इन दो नंबरों के दरमियान में है, यानी 4x+10 रेशियो 13x+10, वो इक्वल टू, क्वेश्चन में बताई गई है 1:2 है, 1:2। प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास मीन है, अगर उनको लिखें तो 1 × 13x+10 आ गया, दूसरी साइड पे 2 × 4x+10 आ गया। यहाँ पे 13x+10 इज इक्वल टू 8x+20, 13x-8x इज इक्वल टू 20-10, यहाँ पे आ गया जी 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। सो ए फर्स्ट नंबर जो कि हमने लेट किया था 4x, उसके अंदर वैल्यू पुट करें, 4 × 2 8 आ गया। सेकंड नंबर जो कि हमारा 13x लेट किया था, उस 13 के अंदर जब हमने 2 वैल्यू पुट की तो 26 आ गया। अगर इसको चेक करना हो तो क्वेश्चन के मुताबिक इनको, ये जो नंबर्स हैं 8 और 26 नंबर थे, 8 और 26, इनको बोला गया था कि जब इनमें 10 ऐड किया जाए, यानी अगर 10 इसमें भी ऐड किया जाए और 10 इस साइड पे भी ऐड किया जाए, तो ये हो जाता है 18 और ये हो जाता है 36। और अगर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में किया जाए तो ये 1:2 ही बनता है, और इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है।